हेलो एवरीवन, मैं अंकेश कुमार बताता हूँ। आज हम दांत टीथ के बारे में पढ़ेंगे। आप अगर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC का सिलेबस देखते हैं तो जो नया सिलेबस आया 2020 का, तो उसमें जो साइंस की जो यूनिट दी है, यूनिट में जो 6 वर्ग जो पॉइंट दी गई है मानव शरीर की संरचना, उसमें भी आएगा। चूँकि हमारे लिए आगे चल के डाइजेशन सिस्टम पढ़ना है, मतलब पाचन तंत्र पढ़ना है, तो जब पाचन तंत्र पढ़ना है तो क्यों ना हम उसकी पृष्ठभूमि को पहले जान लें। क्योंकि पाचन जो मुख वहाँ से स्टार्ट होता है, उसमें सबसे सहायक अंग जो होते हैं, जो दांत होते हैं और जीभ होती है, तो अपन उसके लिए अपन पहले क्या करते हैं, टीथ को पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से। तो फिर उससे क्या रहेगा आपके लिए और आगे समझना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। आप इस टॉपिक को इस तरीके से नहीं पढ़िएगा कि ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। कई एग्जाम ऐसे हैं जो डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना, ठीक। अब क्या है टीथ, टीथ मतलब दांत। दांतों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। मुख्य रूप से जिस प्रकार आपने देखा होगा कि दांतों का क्या काम रहता है, भोजन को चबाने का तो एक रहता ही है, उसके अलावा भी दांतों का जो कार्य है वो सुंदरता बढ़ाने में, जिस प्रकार ताजमहल की सुंदरता संगमरमर सफ़ेद संगमरमर की नक्काशी के कारण दिखाई देती है, उसी प्रकार मनुष्य की सुंदरता उसके दांतों के कारण दिखाई देती है, ठीक है ना। तो अपन दांतों के बारे में चलें। इसका निर्माण जो होता है वो कठोर ऊतकों से होता है, कठोर ऊतकों से, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान रखना है आपके लिए कठोर ऊतकों से निर्माण होता है। अब ये ऊतक क्या होते हैं, तो ऊतकों के लिए अपन जब पढ़ेंगे, जब अपन सेल पढ़ेंगे, कोशिका पढ़ेंगे, ऊतक पढ़ेंगे, अंग पढ़ेंगे, उससे शरीर का निर्माण पढ़ेंगे, तब उसको अपन ऊतक में कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी तो फिलहाल आप समझिए इनका निर्माण कठोर ऊतकों से होता है। आपके लिए मैं एक बात बता दूँ कि जब स्टार्टिंग में जीव विज्ञान जो बायोलॉजी था, स्टार्टिंग में जब इसकी खोज हुई, तो उसमें जब प्रारंभ में ये दांतों को एक हड्डी मानते थे, मतलब उनको ऊतक नहीं मानते थे, ऊतक ना मानकर एक हड्डी मानते थे। तो ये क्या है, टीथ जो है एक ऊतक है, ठीक है ना। अब इनका सेकंड जो पॉइंट है, अपन इनके की पॉइंट्स के अंतर्गत करेंगे इनका जो पढ़ाई जो भी करना है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट जो है अध्ययन, अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। आपको एक चीज़ बेसिक में समझ में रहनी चाहिए कि किसी भी शब्द के पीछे अगर लॉजी लगाओ, लॉजी, ठीक है, जैसे कि साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी, तो हर शब्द के पीछे देखो कि लॉजी लगा है। जैसे कि अब इसको शब्दों को अगर अपन तोड़ते हैं, ओडोन टो प्लस लॉजी, ठीक है। मुख्य रूप से लॉजी का मतलब जो होता है वो अध्ययन करना होता है, किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन करना, ओडोंटोलॉजी। बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब बायो मतलब जीव, जीवों का अध्ययन करना क्या कहता है, बायोलॉजी कहलाता है। सोशोलॉजी, समाजशास्त्र का अध्ययन करना सोशोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार दांतों का जो अध्ययन, दांतों का अध्ययन और दांतों की बीमारियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। मुख्य रूप से अपन दांतों को पढ़ेंगे तो उसमें डोंटो, डेंट शब्द आएंगे। इनका अगर कहीं भी आपको ये शब्द टकराते हैं डोंट डेंट, तो इसका मतलब कि दांतों से संबंधित कोई बात हो रही है, आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसकी देखते हैं, आगे चल के चलते हैं। जैसे कि इसकी अगर अपन आकृति देखते हैं दांत की, ठीक है, अगर दांत की आकृति मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये नॉर्मल मान लीजिए दांत है, ठीक है। और ये जो इसमें एक और जो अंदर वाला भाग है ब्लैक, ठीक है, ये जो भाग हो गया पूरा, ये जो मैं ब्लैक कलर से कर रहा हूँ कम से कम 80 to 85 का, ये जो बाहर का जो भाग है इसको बोलते हैं एनेमल मुख्य रूप से, ठीक है। ये किसका बना होता है, ये कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, कैल्शियम एपेटाइट का। और दूसरा जो भाग होता है वो होता है डेंटाइन, ये बना होता है कैल्शियम PO4 मतलब कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। मुख्य रूप से दांत क्या बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। ये किसका बना होता है, कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। क्या होता है कैल्शियम एपेटाइट, एक क्रिस्टलीय होता है, क्रिस्टलीय क्या होता है, जिसकी संरचना एवं कठोर होती है। तो इन्हें पूछते हैं जो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो एनेमल होता है, ठीक है ना। अंग नहीं, अंग जबड़ा हो जाता है, कटे मजबूत सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, एनेमल में अपने भी भाग, ठीक है। उसके बाद में अपन आंतरिक भाग डेंटाइन किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं 5 की पॉइंट पे, क्या है, दूध के दांत। दूध
दूध के दांतों की संख्या कितनी रहती है? 20 रहती है। जैसे कि आपने बच्चे देखेंगे, छोटे वाले बच्चे, उनके पूरे दांत नहीं रहते हैं। अपन आगे और समझेंगे उसमें कि कौन कौन से दांत नहीं रहते हैं, उनकी अलग अलग कैटेगरी हैं, वेराइटीज़ हैं। तो अब अपन क्या समझें, दूध के दांत, जैसे कि बच्चा जैसे 4-5 महीने का ही रहता है, तब उसके दूध दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। आगे के जो दांत निकलते हैं उसके ये निकलते हैं, इंसीजर बोलते हैं उनको। फिर धीरे धीरे जब उसका विकास होता जाता है, तो 6 वर्ष की जब अवस्था में आता है, तब उसके कुछ दांत निकल जाते हैं, फिर उसके बाद में जो टूट जाते हैं, निकल जाते हैं, टूट जाते हैं। तो दांतों की भी कैटेगरी है, ठीक है। तो आप, मैं समझ रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ऊपर वाले का, मैं इसको थोड़ा मिटा, ठीक है।